टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। ठाणे जिले में हर दिन कोरोना की संख्या बढ़ती देख ठाणे मनपा कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने जो है कोरोना टेस्ट रैपिड टेस्ट की रफ्तार ठाणे जिले के सभी प्रभाग समितियों में तेज कर दी है। ऐसे में कलवा प्रभाग समिति की बात करें तो यहां पर कल रैपिड टेस्ट किया गया जिसमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसे कोरोना सेंटर में भेजा गया। मात्र 30 मिनट में नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट सामने आती है। वही कलवा में जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, हालांकि सिर्फ कलवा ही नहीं बल्कि ठाणे जिले के 9 प्रभाग समितियों में हर रोज नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। कहीं कम और कहीं ज़्यादा, बहरहाल इन्हीं बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए और सही समय पर इलाज हो सके, इसके लिए जैसे मुमरा में कोरोना सेंटर बनाया गया है, ठीक उसी तरह से कलवा के खारे गांव के समीप बनाया जा रहा है, जिससे कलवा वासियों के लिए राहत पहुंचेगी और सही समय पर इलाज हो पाएगा। हम जानते हैं कलवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सचिन भोसले ने आखिर खारे गांव के पास बन रहे कोरोना सेंटर कब तक चालू होगा और कितने बेड की ये सेंटर बनाया जा रहा है, हम पूरी जानकारी लेते हैं। सर देखा जाए तो कलवा में जो है कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है, अभी वो बन ही रहा है, लेकिन ऐसे में कलवा वासियों के लिए मतलब वो कब तक तैयार हो जाएगी और उसके बाद जो उसमें कोरोना जो पेशेंट है वहाँ पर जो है एडमिट किए जाएंगे? अभी देखिए माननीय आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन पर सब चल रहा है। ये कम से कम 10 दिन में जो भूमिपुत्र मैदान पर म्हाडा के सहकार्य से जो हॉस्पिटल बन रहा है 400 बेडेड वो शुरू हो जाएगा। वो सब अत्याधुनिक सुविधा से युक्त है, वहाँ पे ICU बेडेड है और सब थाने वासियों के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी कि 400 बेडेड हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। कम से कम 10 दिन उनको लगेंगे, लेकिन शुरू होने के बाद अभी जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ है 1000 बेडेड, मुमरा में भी है 410 बेडेड्स, वैसे ही कलवा के लिए है। शुरू होने के बाद जो पेशेंट को दिक्कत आ रही थी कुछ दिन पहले वो सब सॉर्ट आउट हो गई है, कुछ आते दिन में 10 दिन में ये सब हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। कितने बेड का ये जो है हॉस्पिटल? ये 400 बेडेड हॉस्पिटल है। इसका बेसिक कंसेप्ट जो है ये म्हाडा ने कहीं किया है और यहाँ पे सब सुविधाएं होंगी, वेंटिलेशन से लेके जनरल वार्ड तक सब होगा। कोरोना पेशेंट को जो जो दिक्कतें आती हैं, जो जो परेशानियाँ होती हैं, वहाँ पे सब प्रशिक्षित डॉक्टर्स नर्सेस और स्टाफ रहेंगे, एम्बुलेंस की उपलब्धि होगी और जो लोकेशन है वो प्राइम है, इसलिए पेशेंट शिफ्ट करते हुए जो दिक्कतें आती हैं वो कुछ नहीं होगी। तो ये सब अत्यधिक सुविधा युक्त ये हॉस्पिटल होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है वो बाहर से लोगों को लिया जाएगा, कलवा के लोगों को बहुत कम ही लिया जाएगा, ये इसके बारे में क्या होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय अयुक्त महोदय ने ये बारंबार अपने फेसबुक लाइव में भी बोला है, काफ़ी जब वो लोगों से मिलते हैं वहाँ भी बताया जाता है कि जो थाना में हॉस्पिटल बन रहा है ये प्राइमरीली थाना के जो रहवासी है, थाना के जो नागरिक है उनके लिए है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के लोगों के लिए है, ये सब प्राइमरीली थाना कलवा और सभी जो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हद्दी में जो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, इनके सब के लिए ये उपलब्धि होगी। देखा जाए तो कल भी जो है जाँच किया गया 2 जगहों पर, कलवा में जाँच रैपिड टेस्ट जिसे कहते हैं हिंदी में, वो जाँच किया जा रहा था, 30 मिनट में रिजल्ट आ रहा था। ऐसे में वो जाँच में कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं? कल 115 लोगों का कलवा प्रभाग समिति के अंदर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, उसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको शिफ्ट किया गया कोविड केयर सेंटर सहकार विद्यालय में। तो ये एक्टिविटी अभी इसी आगे शुरू रहेगी, महापालिका डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप आइए रैपिड एंटीजन टेस्ट कीजिए। ये पूरी तरह मुफ्त टेस्ट है, 30 मिनट में लोगों को उसका कोरोना का रिजल्ट मिलता है। जो डर रहे हैं लोग उसके लिए क्या करेंगे? डर है, हम ऐसा नहीं बोलते डर है, लेकिन वो लोगों को हम आगे जाके खुद होके इंस्पायर कर रहे हैं, उनको ये टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये टेस्ट आप कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना ये रिकवरी होने वाला डिसीज़ है, डरने का कोई कारण नहीं है, आप आइए। ये बिल्कुल ही मुफ्त टेस्ट है, आपको 30 मिनट्स के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सिम्टोमेटिक होगा तो आपको आपके सुविधाएं के अनुसार आपको एक तो घर पे शिफ्ट किया जाएगा या हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए है। तो आपने सुना कलवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सचिन भोसले ने क्या कहा। फिलहाल 400 बेड का ये सेंटर
बनाया जा रहा है जिसको चालू होने के लिए 10 दिन और लगेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।